नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एन त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, और मेरे साथ हैं मेरे बड़े काबिल दोस्त और मेरे कलीग, हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे टीम के सदस्य अभिषेक, और हम दोनों लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR यानी कि राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में इस वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें, इस पर कुछ बातचीत आपके साथ करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी, हाउ टू प्रिपेयर PSIR फॉर मेन एग्जामिनेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज। अगर आप देखें तो मोटे तौर पर PSIR में जो हमारे दो पेपर्स हैं, उन दो पेपर्स में जो बड़े सेगमेंट्स जिनको हमें तैयार करना है, एक तो थिंकर्स का है जो हमारे राजनीतिक विचारक और चिंतक हैं, दूसरा थियरीज ऑफ द स्टेट हैं, कुछ राज्य से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, तीसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन, और चौथा है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस लिहाज से अगर हम अपने पेपर को बांटकर तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा इवॉल्विंग, बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, रोज़ कुछ ना कुछ घट रहा है हमारे आसपास, हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, दुनिया के देशों में तरह तरह के संबंध नए तरीके से बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते और बिगड़ते हैं। एक समय था जब भारत नॉन अलाइन मूवमेंट के जरिए सारी दुनिया में तीसरे विश्व के देशों का एक सिरमौर नेतृत्व करने वाला देश था, आज नॉन अलाइन मूवमेंट उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है, बल्कि आज क्वाड है। आज हमारे लिए क्वाड, जिसमें के अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अब ये चारों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब तमाम नए रीजनल ग्रुपिंग्स आ गए हैं, उसमें हमारी भूमिकाएं बदल रही हैं। जो पहले कभी ओपेक का महत्व हुआ करता था, इस्लामिक कंट्रीज़ के अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसमें भी इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं। एक समय था फलस्तीन को लेकर सारी इस्लामिक दुनिया एक तरफ थी और इसराइल के साथ देने वाले देश अलग मुल्क थे। आज सऊदी अरब से लेकर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इसराइल को अपनी राजनीतिक मान्यता प्रदान कर रही हैं, पॉलिटिकल रिकग्निशन दे रही हैं। वर्ल्ड इक्वेशंस, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज एमर्जिंग, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है, नए समीकरण बनकर आ रहे हैं। और इसलिए IR के लिए तो आप किसी एक सिंगल सोर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। अगर IR की तैयारी करनी है तो आपको रोज़ इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, कुछ ऐसे थिंक टैंक्स हैं, जिनको आपको बतौर रेफरेंस अपने आंसर राइटिंग में कंसल्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इनपुट लेना पड़ेगा। तो IR पर और भी बात करेंगे, लेकिन थिंकर्स की तैयारी कैसे करें, वो एरिया कैसे हम अपना स्ट्रांग बनाएं, कैसे हम पेपर वन के इस बड़े इम्पॉर्टेंट एरिया को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाएं। अभिषेक, आपको क्या लगता है, कैसे जो है हमारे स्टूडेंट ये जो पोर्शन है इसको कैसे तैयार करें और क्या किन खास बातों का ध्यान रखें? सर देखिए, जब थिंकर्स प्रिपेयर किया जाता है तो जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चों को थिंकर्स के बारे में बताया जाता है वो ओवरऑल बस सिर्फ थिंकर्स ही बताया जाता है कि एरिस्टोटल ने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, मैकेवली ने ये कहा, हॉब्स ने ये कहा। जो UPSC का क्वेश्चन आता है वो थिंकर्स के बारे में नहीं पूछता, थिंकर्स का अप्लाइड फॉर्म पूछता है। करेक्ट, कि आज जो थिंकर्स बोल के गए हैं, जैसे जस्टिस है, प्लूटो का जस्टिस का सिद्धांत है जैसे फॉर एग्जाम्पल, या इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी पर ही है, तो थिंकर्स ने जो कुछ बोला है उसका आज के पॉइंट ऑफ व्यू पे आज की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट है, यानी रियल डे टू डे लाइफ में उसका एप्लीकेशन, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। हम लोग जब थिंकर्स पे आंसर लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली थिंकर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं इन जनरल, वहीं पे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता। करेक्ट, जो कैंडिडेट उस थिंकर को कहीं ना कहीं अपने आज की सोसाइटी से अटैच कर देता है वो नंबर फेच कर ले जाता है। बिल्कुल सही, और इसीलिए आज आप देखेंगे इधर पॉलिटिकल साइंस का जो ग्राफ है वो डे बाय डे बढ़ा है UPSC के इस एग्जाम में, और बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में आया, इवन टॉपर्स या रैंक होल्डर्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है PSIR, क्योंकि टोटल ऑल टुगेदर बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट हो गया है ये,
ओवरलैपिंग होता है इसका सिलेबस कहीं ना कहीं हम लोगों के और सब्जेक्ट्स में, प्लस हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प करता है ये। तो थिंकर्स को हमको सिर्फ रटना नहीं होता है, उसका हमको अप्लाइड फॉर्म देखना होता है। और राजनीति का मतलब ही यही है कि आप देखिए सर, जितनी भी राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस जो हम थिंकर्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है स्टेट के बारे में। मार्क्सियन थ्योरी क्या है स्टेट की, गांधीयन थ्योरी क्या है स्टेट की, तो आज मार्क्सिस्ट थ्योरी कितनी रेलिवेंट है पर उसका आप देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कुछ ना कुछ बेस रहा है। जब समाजवादी पार्टी कहती है हम लोहिया की विचारधारा को लेकर चलते हैं, या जब बीजेपी कहती है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा, यही सारी विचारधारा है कुछ ना थिंकर्स की, दीनदयाल उपाध्याय लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है। तो ये सब जब तक आप इसको आज की लाइफ में अप्लाइड नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन पॉल साइंस। बिल्कुल सही। एंड टू गेट गुड मार्क्स इन पॉल साइंस आपको इसका अप्लाइड फॉर्म दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए थिंकर्स को मेरा अपना जो है स्टूडेंट्स को ये एडवाइस रहेगा कि आप थिंकर्स को रटिए मत, आप थिंकर्स को अप्लाई करना सीखिए कि आज उसको हम सोसाइटी पे कैसे लगाए। जैसे प्लूटो ने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया, कम्युनिज्म ऑफ वुमेन, तो उसने महिलाओं को क्यों दूर रखने की बात कही थी, तो उसका कहीं ना कहीं साइंस या कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी में कुछ यूज़ है। तो एक राजा कैसा होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग का सिद्धांत क्या होता है, तो आज भी तो हम फिलोसोफर किंग एक आइडियल राम राज्य की बात करते हैं, गांधी के राम राज्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं होती हैं, तो हमको उसका अप्लाइड फॉर्म सीखना होता है। यानी आप थिंकर्स को पहले समझें, जानें, पढ़ें, और ज़्यादा ज़रूरी है ये देखें कि कैसे आज की दुनिया में, आज के बदलते दौर में, आज के राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय हालातों में उनकी सोच कितनी प्रासंगिक है, उनकी सोच का सिद्धांत का क्रियान्वयन किस रूप में हो पा रहा है, ये आप अपने उत्तर में लिखें, ये बहुत ज़रूरी। तो आप इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि थियोरीज ऑफ द स्टेट भी हैं, थियोरीज ऑफ द स्टेट भी हैं सर। तो जो राज्य के सिद्धांत हैं, मैकियावेली का है, कौटिल्य का, सप्तांग विचारधारा है, सेवन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स ये आया भी है सर क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में यूपीएससी में कि क्या स्टेट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो कैंडिडेट ने खाली एलिमेंट्स लिख दिए, सप्तांग थ्योरी लिख दिया, तो वो एलिमेंट्स का अपना कुछ महत्व है, इंपॉर्टेंस है उसका। आज की गवर्नमेंट भी तो वही काम करती है, जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये तो बहुत पहले कौटिल्य ही बोल के गए हैं कि समाज में सबका उत्थान होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। तो जब तक आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका आंसर एक जनरल आंसर ही बन के रह जाएगा। ये अप्रोच और है। बड़ा ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि मैं लंबे समय से पढ़ाता रहा हूँ, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोग जो करंट डेवलपमेंट, बिल्कुल अगर आप उनको नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने आंसर में तो नंबर तो भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो अब हम बात करें, अगर मान लीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जी सर, तो एक समय था जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था देश के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कैसे काम करे हमारे देश की सरकार और राज्य सरकारें, इस पर योजनाएं बनती थी। अब नीति कमीशन, नीति आयोग आ गया। अब देखिए नीति आयोग से भी क्वेश्चन आ चुका है पॉल साइंस में, लेकिन अब नीति आयोग का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में और नीति आयोग का क्वेश्चन इकोनॉमी के जीएस के पेपर, बिल्कुल दोनों में अप्रोच अलग हो जाती है लिखने की। वहाँ जीएस में आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा उसका अप्लाइड फॉर्म लिख देना होता है। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो थिंकर्स के लिए क्या कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? थिंकर्स के लिए सर कुछ तो हेल्प एनसीईआरटी से हो जाती है थोड़ा बहुत। एनसीईआरटी में मार्क्सिज्म, गांधीज्म, अम्बेडकर, मनुवाद सब चीज़ें एनसीईआरटी में भी दी हुई है, वहाँ से आप एक फाउंडेशन बना लेते हैं। अदरवाइज ओपी गाबा की बुक आती है ऑन वेस्टर्न थिंकर्स थ्योरीज पर आती है, पॉलिटिकल थ्योरी पे आती है ओपी गाबा की, वहाँ से हो जाता है। एक आती है आपकी मुखर्जी एंड रामास्वामी की, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, एक बुक लेकर के आप अपना बेस बनाइए, उसी को आप माइंड पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, दिमाग पर अपना जोर लगाइए, दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करिए। ज़्यादा किताबें पढ़ने से कन्फ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं। आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये बात। थ्योरीज के लिए ओपी गाबा, और थिंकर्स के लिए वेस्टर्न थिंकर है तो आप जो है मुखर्जी एंड रामास्वामी की बुक। तो हिंदी में भी किताबों को सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, अगर इग्नू के नोट्स मिल जाए तो इग्नू बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सिंपल वे में लिखे हुए। तो ये तो कुछ थिंकर्स और थियोरीज ऑफ द स्टेट की बात रही। अब जैसे हम बात करते हैं मार्क्सवाद की, एक हमने किताब पढ़ी थी बचपन में बहुत समय पहले, करपात्री जी महाराज की, राम राज्य से मार्क्सवाद तक, राम राज्य से मार्क्सवाद।
अपने आप में ये एक बड़ा सिद्धांत है, कहाँ राम राज्य का सिद्धांत तो उसकी विचारधारा है, कहाँ मार्क्सवाद की विचारधारा है। जी। उस तरह से अगर आज हम देखें तो पूंजीवाद से साम्यवाद से लेकर समाज में जिस तरीके का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों में बदलाव आया जी है, सर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल। अब हम फिर से खासतौर से ये कोविड पैंडेमिक के बाद प्रोटेक्शनिज्म की ओर लौटते मालूम हो रहे हैं, बिल्कुल सर। और एक जो प्रो ग्लोबलाइजेशन लहर चल रही थी उस पर शायद कुछ रोक, थोड़ा थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत अभियान। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हम रिवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते, इसको हमें रिकंस्ट्रक्शन या रीडिजाइनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहना चाहिए। सेल्फ रिलायंट की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सेल्फ रिलायंट होने का मतलब दुनिया से कटना कटना नहीं है सर, दुनिया से जुड़ना है लेकिन अपने हितों को भी, अब बस हाँ, अपने हितों को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, यानी वैश्वीकरण की पुनर्संरचना, जी वैश्वीकरण का पुनर्गठन पुनर्गठन। इसी के साथ यूएन की भी बात हो रही जी है, सर। यूएन हमारा 75वें साल में पहुंच चुका है, यूनाइटेड नेशंस, लेकिन दुनिया में अपनी वो प्रासंगिकता खोता जा रहा है जिसके लिए बनाया गया था। और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूएन ऑफिशियल ने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए बाकायदा इलेक्शन का एप्लीकेशन दे दिया है। और उन्होंने जो मौजूदा महासचिव हैं गुतराज साहब, उनको चैलेंज किया कि साहब हम इलेक्शन लड़ेंगे, और वो कैनेडा की हैं जी, भारत मूल की हैं, कविता अरोड़ा शायद उनका नाम है या सम अरोड़ा, एंड शी इज़ वेरी यंग, 34 ईयर्स ओनली। और उन्होंने ये लिखा है कि मैं जब से यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी तो जिस उद्देश्य के साथ जुड़ी थी मुझे लगा है वो तो यूनाइटेड नेशंस रहा ही नहीं गया। तो क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है? सो यूनाइटेड नेशंस को थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के बना था, मुझे जो लगता है कि वो एक तरीके से अमेरिका के डोमिनेंस में ही काम करता है, और जिस तरीके से अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहता है, वेदर दैट इज़ यूएनओ और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो बहुत अनडेमोक्रेटिक वे हो गया है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं वहाँ इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि एक इलेक्शन प्रोसेस के ही थ्रू आप वहाँ पर जाएँ। प्लस इंडिया का पार्टिसिपेशन मेरा अपना मानना है कि अब बढ़ना भी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली हम लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि हमको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, हम आज भी नॉन परमानेंट हैं, क्योंकि इंडिया उन सब चीज़ों को अचीव कर चुका है जो एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए चाहिए। तो हम जो फुलफिल करते हैं, चाइना है, परमानेंट मेंबर बनने की योग्यता नहीं रखता है, चाइना है और हम नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये तो गलती सर हमारी है ना, हमने सपोर्ट किया था चाइना को और फाइनली चाइना ने हमको नहीं सपोर्ट किया। तो खैर, लेकिन अब इंडिया बहुत ज़बरदस्त दावेदार है, लेकिन वही है कि अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है सर, इसीलिए इंडिया को कुछ लोग सपोर्ट करते तो कुछ लोग उसके एंटी हो जाते हैं। बट यूएनओ को बहुत डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहिए और उसके अपने रेलेवेंस को प्रूफ करना चाहिए कि हमने वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के या जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको हमने अचीव किया है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो टर्म है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये यूएस स्कॉलर्स ने बनाया जी सर, और यूएस स्कॉलर्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अमेरिकी विचारक रहे का मानना है कि दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, दुनिया के दूसरे देश अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, अब ये बाईपोलर वर्ल्ड या यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब इक्वेशंस जितनी तेजी से पिछले कुछ सालों में बदली हैं उसमें आज बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स हैं जो उभर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में जो कुछ, ये मिडिल ईस्ट भी टर्म अमेरिका का क्वाइन किया हुआ, क्योंकि वो तो ना तो मिडिल में है ना ईस्ट में है ना वेस्ट में, लेकिन अमेरिका से जब ईस्ट की ओर चलते हैं तो मिडिल ईस्ट आता है। तो ये आपको चीजें समझना पड़ेंगी, और इसके लिए हम लोग अपना नया बैच जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप सभी लोग जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर तैयार करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।